संसद का आगामी सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा चुनाव में संख्या बढ़ने से उत्साहित विपक्षी दल पिछले सत्र की तरह इस बार भी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगी। लिहाजा संसद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी दलों के फ्लोर लीडर्स मौजूद रहेंगे। सरकार की कोशिश है कि जैसे बीते सत्र में नीट समेत अन्य मुद्दों पर हंगामा हुआ था, वैसा इस सत्र में ना हो। वैसे विपक्ष ने भी सरकार को संसद में घेरने के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल जहां महंगाई, ट्रेन दुर्घटनाओं, अग्निवीर, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों में जवानों की शहादत जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे समाजवादी पार्टी भी उठाएगी। सपा समेत अन्य दल कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी सरकार के फैसले को सदन में उठा सकती है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में चल रहे घमासान का जिक्र भी सदन में कर सकती है। विपक्षी दल इस बार भी संविधान की रक्षा और आरक्षण के मुद्दे के सहारे बीजेपी सरकार के से दो दो हाथ कर सकते हैं और इसी सत्र में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश किया जाना है, यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी और सत्र में बजट पर चर्चा होगी। डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा और मतदान होगा और इसके साथ ही अप्रोप्रिएशन बिल पारित होगा। जम्मू कश्मीर के बजट पर भी इस सत्र में चर्चा होगी और इसे पास किया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि कौन से वो अहम 6 विधेयक हैं, बिल हैं, जिन्हें पेश करेगी केंद्र सरकार। तो इसके अलावा सरकार ने इस सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित किए जाने के लिए 6 बिल सूचीबद्ध किए हैं। सूचीबद्ध विधेयक में वित्त विधेयक के अलावा फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल है। लोकसभा स्पीकर के सत्र के पहले कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। ये समिति लोकसभा के कामकाज, बहस का समय आदि तय करती है और इस समिति में अलग अलग दलों के 14 सांसदों को शामिल किया गया है। इस समिति में बीजेपी की ओर से जहां निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह ठाकुर, भर्तृहरि महताब हैं, पीपी चौधरी, विजयंत पांडा, डॉक्टर संजय जायसवाल को रखा गया है, तो कांग्रेस की ओर से इसमें के सुरेश, गौरव गोगोई, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके से दयानिधि मारन, शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत को जगह दी गई है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का भी एक्शन प्लान है। सरकार ने अपनी तरफ से संसद में अपना कामकाज सुचारू रूप से निपटाने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन विपक्ष भी तैयार है विरोध करने के लिए। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में सरकार के खिलाफ एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और इसके केंद्र में नौजवान, किसान, मजदूर, जवान और गरीब हैं। नौजवान, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक का मुद्दा तो विपक्ष उठाएगा ही, साथ ही अग्निवीर योजना को बंद करने और जम्मू कश्मीर में हाल में बढ़े आतंकी हमलों पर जवानों की शहादत पर सरकार को घेरने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर की नीतियों को लेकर खास तौर पर हमलावर रहेगी और इसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने के बजाय एलजी की शक्तियों को बढ़ाए जाने पर सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे। वहीं मणिपुर, त्रिपुरा की हिंसा और चीनी अतिक्रमण के मामले को उठाकर सरकार को राष्ट्रवाद के मसले पर बैकफुट पर भी लाने की कोशिश कांग्रेस करेगी। कुल मिलाकर विपक्ष ने ऐसे तमाम मुद्दों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधते हुए सरकार से दो दो हाथ करने की तैयारी की है, तो सरकार भी आंकड़ों के साथ पलटवार करने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के आक्रामक तेवर बरकरार रहने के पूरे आसार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।